क्या कर रहे हो गुरुजी? गुरुजी आप तो एक्सपोज चल रहे हो आजकल। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। इसमें राजवीर सिसोदिया टांग खींच रहे हैं कशिश गुप्ता की। कुछ थोड़े दिन पहले कशिश गुप्ता ने एक वीडियो डाली थी जिनमें उन्होंने गुरुजी को ट्रोल करते हुए कुछ एक्सरसाइज के बारे में ज्ञान दिया था कि ऐसे एक्सरसाइज होनी चाहिए और एक्सरसाइज होनी चाहिए। बढ़िया काम कर रहे हो, बच्चे बढ़ते रहो। आगे क्या कहा राजवीर सिसोदिया ने? डायरी के पन्ने पलट रहे उनका बिना नाम लिए हुए। बेरोजगारों गुरुजी नहीं, गुरुजी ने बेरोजगारों को बहुत काम दिया। जो बात है कुछ ना कुछ बेचारों कंटेंट मिलता रहे बनता रहे। हाँ रोटी चल लीजिए गुरु जी, ऐसा भिगमंगे बहुत है, थोड़ा बहुत खाना खर्चा चलता रहे पब्लिक का, और क्या चाहिए। इसमें कशिश गुप्ता गुरु जी के बारे में बताता कि नंबर वन एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती बार बार। आइए देख, एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती क्योंकि सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले आपको एक न्यूट्रल पोजीशन के अंदर जाना है, उसके बाद आपको सुपीनेट कर लेना है। आप देखोगे आपकी अपर और लोअर आर्म के अंदर एक एंगल बन रहा है, इसको हम कैरिंग एंगल भी बोल देते हैं, और सबका कैरिंग एंगल अलग अलग होता है। बारबल कर्ल के अंदर हम इसी कैरिंग एंगल के अगेंस्ट लोड करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपके जॉइंट्स के लिए प्रॉब्लम है। आप बारबल कर्ल की जगह डंबल कर्ल कर सकते हो। गुरु जी के द्वारा लिखी हुई डाइट के बारे में क्या कुछ कहा कशिश गुप्ता ने, आइए चेक करिए आगे वाली साइड में। थायराइड लिख के दे देते हैं जिनको थोड़ा सा मसल बिल्ड करना है और कंपटीशन तक नहीं खेलना। हैरानी की बात तो ये है, ये अब डॉक्टर बनके प्रिस्क्रिप्शन भी देने लग गए और खुद ही स्टीरॉइड्स भी बेच देते हैं पैसा कमाने के लिए, वो भी डबल रेट पे। अगर आपको कॉम्पिटेटिव बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको स्टीरॉइड लेना जरूरी है, पर कम से कम आप किसी एजुकेटेड बंदे से तो लो। ये गुरु जी इंसुलिन लिख के दे देते हैं और इनको इंसुलिन के स्पेलिंग तक नहीं आते। इंसुलिन की बायोकेमिस्ट्री तो बहुत दूर की बात है। कोई भी एजुकेटेड डॉक्टर या कोई भी एजुकेटेड प्रेप कोच इनकी डोसेजेस और कंपाउंड्स जो ये एक साइकिल के अंदर लिखते हैं उनको देख के डर जाएगा। इनकी तो पूरी डायरी है मेरे पास जिसके ऊपर इन्होंने पता नहीं क्या कुछ लिखा है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक तो ये एजुकेटेड भी नहीं है और ये बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप कॉम्पिटेटिव बॉडी बिल्डिंग नहीं करते तो आपको स्टीरॉइड से दूर रहना चाहिए। आपको फूड सिलेक्शन और एक्सरसाइज सिलेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। मुकेश जी द्वारा रिप्लाई किया गया कशिश गुप्ता को, उन्होंने क्या कुछ कहा कशिश गुप्ता के बारे में, आइए देख कर। ये भी रॉन्ग मोमेंट है और रिवर्स डिप्स ट्राइसेप डिप्स ये भी गलत मोमेंट है। अब सही मोमेंट क्या है? ये जो एक महानुभाव है जो सबकी मूवमेंट्स को पोस्चर को गलत बताते हैं, वो आपको खुद ट्रेनिंग करके एग्जीक्यूट करके बताएंगे, मेरे ख्याल वो बेटर रहेगा। अब मैं तो पिछले 26 साल से ये गलत मूवमेंट के थ्रू ही चैंपियन तैयार करता रहा और हजारों चैंपियन बना भी दिए। पता नहीं कुछ गॉड गिफ्ट ही रहा होगा कि गलत पोस्चर गलत मूवमेंट के साथ इतने चैंपियन बन गए। तो अगर मूवमेंट्स हमारे सही होते तो पता ही नहीं क्या ही हो जाता। तो वो शायद आपको ज़रूर अपलोड करके सही मूवमेंट बताएंगे, डेली अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करेंगे और डेली सही मूवमेंट का वीडियो खुद एग्जीक्यूट करके लगाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।